ओके, तो हम पढ़ रहे थे हमारा लेटरल मेरिस्टम, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में आपको मेरिस्टमेटिक टिश्यू बता रही थी, तो अब हम मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में हम लोग एपिकल मेरिस्टम देख रहे थे कि वो टिप पे होता है रूट और स्टेम की, और ये क्या बढ़ाता है लेंथ। एपिकल मेरिस्टम इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो ग्रोइंग यंग लीव्स के टिप पे भी होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप ऑफ स्टेम एंड एज वेल एज दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। तो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लाइक इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टिप ऑफ एक्सिलरी बर्ड, ठीक है बेटा। ये एक्सिलरी बर्ड की टिप पे भी होता है। तो इफ यू सी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो क्या होता है। जैसे सपोज करो कि ये हमारा स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे लीव्स निकल रही है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा टिप है। ये लीफ के टिप पे भी मिलेगा आपको इस मेरिस्टम, और यहाँ पर शूट के एपेक्स पे भी मिलेगा, जिसको हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, AM, और एक्सिलरी बर्ड पे। मतलब एक्सिलरी बर्ड होता क्या है, जहां से लीफ निकलती है ना उसके जस्ट ऊपर की तरफ, ये एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड है। तो यहाँ पे एक नई लीफ निकलेगी, नोड के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट होता है। नोड पे तो आपका नोड पे क्या होगा, आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम। यहाँ पे तो आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम होगा, यहाँ से एग्जैक्टली लीफ निकल रही है, लेकिन लीफ के जस्ट ऊपर, लीफ के अगर आप जस्ट ऊपर देखोगे तो ये आपका एक्सिलरी पार्ट होता है, जहां पे आपको शूट एपिकल ये एपिकल मेरिस्टम नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सिलरी पार्ट की टिप पे भी होता है और लेंथ बढ़ाने में इम्पोर्टेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो रूट और स्टेम के साइड में होता है, मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ। ये साइड्स में मिलेगा ऐसे, रूट में भी और स्टेम में भी, ठीक है। एंड दे इंक्रीज द विड्थ और डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स। देयर आर टू टाइप्स, वैस्कुलर एंड केम्बियम, कोर केम्बियम, ठीक है। दो तरह के केम्बियम टिश्यू होते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेटरल मेरिस्टम को हम लोग केम्बियम मेरिस्टम भी कहते हैं, लेकिन ये जो केम्बियम मेरिस्टम है ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक वैस्कुलर केम्बियम, एक कोर केम्बियम। अब वैस्कुलर केम्बियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम, हमारे पास टू प्लांट्स के अंदर टू वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम में अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे वैस्कुलर केम्बियम, और अगर प्लांट की बार्क में मिलेगा तो उसको बोलेंगे कोर केम्बियम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा लेटरल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, इट इज फाउंड ऑन द बेस ऑफ यंग लीव्स एंड इंटरनोड। तो ये बेस ऑफ लीव मैंने आपको बताया कि ये इंटरनोड होता है यहाँ पे, तो ये सॉरी नोड होता है, ये आपका हो गया नोड, और एक नोड ये हो गया, तो ये नोड्स पे प्रेजेंट होता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथनिंग द स्टेम एंड लीव्स, लेंथ बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। जस्ट नाउ जब चैप्टर स्टार्ट करें तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। टिश्यू के अंदर, इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे नॉन डिवाइडिंग होंगे। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन परफॉर्म, द परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ थ्री टाइप्स, किस थ्री टाइप्स के हमारे पास, पहला होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव। कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं सपोर्टिंग नेचर के, वो सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, सपोर्टिंग नेचर। और कुछ होते हैं हमारे पास कंडक्टिंग नेचर, मतलब ये कोई भी चीज जैसे फूड को, वाटर को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास पहला आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू, चलो प्रोटेक्टिव टिश्यू बाद में कर लेंगे, पहले हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग वाले, ठीक है, क्योंकि स्लाइड वही खुली हुई है मेरे पास, तो हम पढ़ेंगे पहले सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू में पहला है हमारे पास पैरेन्काइमा,
ठीक है। अब जो पैरेन्काइमा होता है, क्योंकि ये सपोर्टिंग टिश्यू है तो ऑब्वियसली सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे दिखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं। ठीक है, तो इनके जो सेल्स है वो लिविंग होते हैं। सबसे पहली बात, प्लांट में हमेशा यही ध्यान रखना है हमें कि कौन सा सेल लिविंग है, कौन सा डेड है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था कि प्लांट्स में मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो सेल्स हैं दे आर लिविंग, ये वाले पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स। ठीक है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 जितने कितने जितने भी सेल्स होंगे, वो सारे के सारे लिविंग होंगे। ठीक है, दे मे बी, देर मे बी और मे बी इंटरसेलुलर स्पेसेस, मे और मे नॉट बी। ठीक है, वैसे मोस्टली क्या होता है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, राइट, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। द सेल वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल है, जो सेलुलोज से बनी होती है, वो काफी पतली होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप इंटरसेलुलर स्पेसेस को मैं आपको दिखा देती हूँ, कैसे देख सकते हो आप इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये दो सेल्स के बीच का जो स्पेस देख रहे हो यहाँ पे आप, ये आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस वाले स्लाइड में छोटे छोटे स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, ये है ना, ये सब इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ठीक है, दे आर द मोस्ट अनस्पेशलाइज सेल। ऐसा मतलब इनमें क्या है कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं पैरेन्काइमा, ये अनस्पेशलाइज होते हैं, माने कि इनका एक स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, राइट, दे आर मोस्ट अनस्पेशलाइज सेल्स। नो डिपोजिशन आर सीन एंड द सेल वॉल कंसिस्ट ओनली ऑफ सेलुलोज। इसमें सेल वॉल प्रॉपरली सेलुलोज की बनी होती है, राइट, एंड देर इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बड़ा होता है इनका, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल पूरा अच्छे से पूरा फुल। अभी तुमको देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये भी बड़ा है मतलब, और सेंट्रल वैक्यूल देखो ये भी बड़ी है, न्यूक्लियस भी अच्छी खासा साइज का है, बहुत छोटा नहीं है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, राइट, सो जो आपकी पैरेन्काइमा है उनमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होती है और वॉल्स थे पतली होती है इनकी। सेल्स जो है वो ओवल शेप के होते हैं। सेल्स कैसे शेप के हैं, ओवल शेप। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें होते हैं और ये ज्यादातर सॉफ्ट रीजन्स में मिलते हैं हमें। कहाँ मिलेंगे ज्यादातर हमें, सॉफ्ट रीजन्स, मतलब ये बहुत, जैसे प्लांट की लीव्स है ये बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, जैसे यंग प्लांट, जैसे सपोज करो कि सीड में से एक नया प्लांट निकल रहा है, तो जो नया प्लांट है, यंग प्लांट है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोन होता है ब्रेकेज की, तो उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो उन एरियाज में जो स्टेम होगी वो ग्रीन होती है उस टाइम पे, तो वहां पे भी पैरेन्काइमा खूब सारा मिलेगा हमें। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो जाएगा और वो काफी अच्छी हाइट अटेन कर लेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ग्रीन कलर की स्टेम है वो क्या हो जाती है, वुडी हो जाती है। ग्रीन कलर स्टेम्स बिकम वुडी, तो जब वो वुड की बन जाएगी तो उस टाइम पे पैरेन्काइमा धीरे 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 वहां से खत्म होता जाएगा। तो इसीलिए जो पैरेन्काइमा जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इट इज मोस्टली फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, राइट, क्लियर। जैसे कि कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है, ये आउटर रीजन होता है, बाहर की तरफ होता है, और पिथ जो होता है वो अंदर की तरफ। तो ये मोस्टली सॉफ्ट रीजन में, कॉर्टेक्स में मिलेंगे हमें और पिथ में मिलेंगे। कॉर्टेक्स हो गया बाहर की तरफ और पिथ हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो कॉर्टेक्स और पिथ आपको समझ में आ गया। पिथ मतलब जितना जितना हम प्लांट, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जितना जितना हम अंदर की तरफ, सपोज ये है ना, जितना हम लोग अंदर आते जाएंगे ये पिथ होता, ये पिथ होगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो भी होगा ये सब कॉर्टेक्स होगा। ठीक है बेटा, ओके, सो जो पैरेन्काइमा है वो हमारे पास फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनके तीन टाइप्स होते हैं, क्योंकि हाईली अनस्पेशलाइज सेल्स है, तो इनके तीन टाइप की होते हैं। अगर हम इनको हम स्पेशली डिवाइड करें तो पहला होता है हमारा स्टोरेज पैरेन्काइमा। इसका काम होता है स्टोर करना फूड को, मोस्टली फूड एंड वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है ये, इसलिए इसको स्टोरेज पैरेन्काइमा कहते हैं। अब स्टोरेज पैरेन्काइमा में काफी ज्यादा फूड स्टोर हो रहा है, तो आप सोचो इनकी जो वैक्यूल्स होंगी बड़ी होंगी या छोटी होंगी, ऑब्वियसली इनकी वैक्यूल्स काफी बड़ी होंगी, तो ये काफी सारा फूड स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट होते हैं हमारे एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जैसे कि नेम इज सेइंग, एरेनकाइमा मतलब कहीं ना कहीं एयर जरूर होगी, तो इनमें एयर क्राइविटीज प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा टिश्यू में टू प्रोवाइड बायोन्सी इन द एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करता है ताकि एक्वेटिक प्लांट सिंक ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट के नाम बताओ, वेलिसनेरिया होता है, हाइड्रीला होता है, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा टेरर ऑफ बंगाल, जिसको हम क्या कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल को, वाटर हियासिंथ एक और प्लांट है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, ठीक, ताकि वैसे ऐसे घूमते रहे, हिलते रहे, आराम से खड़े रहे प्लांट पानी के अंदर। नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा एक ऐसा टाइप का पैरेन्काइमा है जिसके अंदर जो सेल्स होंगे पैरेन्काइमा, क्योंकि टिश्यू तो है ही, अब जो यहाँ पैरेन्काइमा के सेल्स बनेंगे, जैसे आपने देखे सारे क्लोरेनकाइमा के सेल्स हैं, तो क्लोरेनकाइमा हैव स्पेशली प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोफिल होता है, राइट, एंड दे कैन परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सोचो कि सबसे ज्यादा कहाँ होंगे क्लोरेनकाइमा, ये टाइप का जो पैरेन्काइमा है क्लोरेनकाइमा, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन लीफ, ठीक है, लीफ में सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो दे कैन परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये बहुत ज्यादा ऐसा टिश्यू है जो हर जगह मिलेगा आपको, मतलब बहुत प्रेवलेंट टिश्यू है ये। तो पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड जनरली इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, और अगर एक्सप्लेनेशन भी मांगेंगे तो टू मार्क्स में आ जाएगा कि क्यों होता है ग्राउंड टिश्यू ये, ठीक है, या फिर पैरेन्काइमा का एक और नाम बताओ तो इट इज ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ग्राउंड मतलब ये बेसिक टिश्यू है, किसी की चीज का बेसिक बना रहा है, बेस बना रहा है। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, फ्रूट्स में, हर जगह आपको मिलेगा, राइट, इट इज अ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है बेटा। पैरेन्काइमा एकदम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कोलेनकाइमा में, थोड़ा सा ढक गया सॉरी। तो कोलेनकाइमा इज द नेक्स्ट प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो कोलेनकाइमा बहुत ही सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके जो सेल्स होते हैं दे अकर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। ये इसको डिटेल में हम नहीं करेंगे कि जो आपका कोलेनकाइमा है मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है पहली बार, एंड मोस्टली बिलो द एपिडर्मिस, मतलब जो एपिडर्मिस क्या है, सबसे ऊपर वाली टिश्यू की लेयर होती है। एपिडर्मिस जो होते हैं मोस्टली प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, ये प्लांट को प्रोटेक्ट आउटसाइड फोर्सेस, आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो उसके जस्ट नीचे कोलेनकाइमा मिलेगा आपको, एंड इट इज फाउंड इधर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस, मतलब एक कंटिन्यूस लेयर में भी मिल सकते हैं, फिर पैचेस में भी मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कोलेनकाइमा में, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाए कोलेनकाइमा के, तो इनमें जो सेल्स होते हैं ना, इनमें कॉर्नर्स पे थिकनिंग होती है। ये देखो सेल के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ 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 कॉर्नर्स में जो सेल वॉल होगी ना, वो थिक होगी, ठीक है। तो कॉर्नर्स में सेल वॉल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉर्नर्स में सेल वॉल की थिकनिंग प्रेजेंट होगी। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स आर मच थिकन एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अ लॉट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इन तीन चीजें यहाँ पे ना ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से सेल वॉल में कॉर्नर्स पे थिकनिंग आ जाती है। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली ओवल होते हैं, सफेद स्फेरिकल पॉलीग्राम शेप भी हो सकते हैं, एंड दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब इनमें भी थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते जैसे कि पैरेन्काइमा में थे। पैरेन्काइमा में मैंने आपको बताया था कि वहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, यहाँ नहीं होते। तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे यंग स्टेम, पेटियोल ऑफ लीफ, ये क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। अब तो आपने सुना होगा जैसे बहुत तेज हवाएं जब चलती है, लाइक व्हेनेवर देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, सो व्हाट हैपेंस, द प्लांट और यू नो, ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लांट गिर जाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ बहुत सारी पॉपुलेशन में तो कुछ गिर जाते हैं, एक या दो, लेकिन बाकी सारे तो खड़े रहते हैं ऐसे। तो व्हाई आर दे लाइक दैट, बिकॉज जो कोलेनकाइमा है इट इज प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी टू द प्लांट, है ना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है लीफ स्टॉक को। तो बेसिकली जब आप ये देखते हो लीफ है, ठीक है, तो इसकी जो स्टॉक होती है इसको आप कहते हैं पीटियोल। तो इस साइड पे
आपको खूब सारा कैरोनकाइमा मिलेगा और ये लीफ को टूटने से बचाएगा, लीफ को टूटने से बचाएगा। तो बेसिकली ये प्लांट के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि यंग स्टेम जो कि आगे जाके बड़ी हो जाएगी, पेटियोल ऑफ लीफ। ठीक है बेटा।